नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है, दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम मनोहर लाल। आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाएंगे। आज 8 साल पूरे हो रहे हैं सरकार के, इसी को लेकर दिल्ली के हरियाणा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसी के साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि कई सौगातें भी प्रदेश को मिल सकती है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी दिल्ली के हरियाणा भवन में। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कई सौगातें मिल सकती हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगभग 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का काम है, तो हरियाणा सरकार के 8 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान सीएम पूरा लेखा जोखा पेश करेंगे, भविष्य का रोडमैप जनता को बताएंगे। सीएम अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही अगले 2 साल का विजन भी बताएंगे। आपको बता दें कि अगले 2 साल में सरकार का मुख्य ध्यान युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने पर रहने वाला है। इसी के तहत 100 करोड़ से अधिक विकास की परियोजनाओं को सिरे से चढ़ाने का काम जोर शोर से चल रहा है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपको बता दें सीएम मनोहर लाल, 8 साल पूरे हो रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में दिल्ली के हरियाणा भवन में ये प्रेस वार्ता होगी। कहा जा रहा है अपने 8 साल का पूरे कार्यकाल का लेखा जोखा बताया जाएगा। इसके अलावा जो आगे का विजन है उस विजन को भी सामने रखा जाएगा, किन किन परियोजनाओं पर मुहर लग चुकी है, कौन कौन सी परियोजनाएं आगे होना बाकी है, आगे के फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं, उन तमाम बातों पर भी निशाना और फोकस रहने की कोशिश यहां पर मनोहर लाल की रहेगी। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा इस वक्त बने हुए हैं। दीपक, देखिए 8 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं, लेखा जोखा यहां बताया जाएगा, कार्यकाल गिनाया जाएंगे। इन 8 साल में सरकार ने बहुत से उतार चढ़ाव भी देखे हैं, बहुत से चुनौतियों का सामना भी किया गया है, आगे की चुनौती भी बहुत कह सकते हैं कठिन भी है, क्योंकि आदमपुर सीट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए और पूरा दारोमदार जो है वो हम कह सकते हैं सीएम के ऊपर ही है। दीपक, जी बिल्कुल, अगर बात करें प्रदेश सरकार को 8 साल हो गए, 8 साल में 5 साल ऐसा जब प्रदेश में भाजपा की सरकार अकेले सरकार थी, पहली बार सरकार आई थी और उसके बाद मनोहर सरकार 2.0 यानी कि दूसरा कार्यकाल जिसमें गठबंधन की सरकार यानी कि हरियाणा में भाजपा और जननायक जनता पार्टी जेजेपी की सरकार के 3 साल, तो कुल 8 साल के इस कार्यकाल, इस 8 साल के उपलब्धियां किस तरीके की रही, क्योंकि 8 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में ये 8 वर्ष कैसे रहे प्रदेश की सरकार के, किस तरीके से खास उपलब्धियां रही, चाहे वो प्रदेश में बिजली विभाग को लेकर हो, प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हो, प्रदेश में स्थानीय निकाय विभाग को लेकर हो, प्रदेश में वन विभाग को लेकर के हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के हो, तमाम उपलब्धियां जो है उसको लेकर के सरकार जो आज अपनी बात रखेगी। जो लेखा जोखा है उसको लेकर के बाकायदा एक बुकलेट जो है वो तैयार की गई है, उसके द्वारा आज तमाम उपलब्धियां प्रदेश सरकार की, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा भवन में, हालांकि 2:30 बजे का समय है लेकिन 3 बजे ये प्रेस वार्ता शुरू होगी जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो अपनी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों का जो विवरण है, 8 साल की जो चर्चाएं हैं, वो तमाम मुद्दे जो हैं वो सामने रखेंगे कि किस तरीके से प्रदेश सरकार के द्वारा 8 वर्षों में काम किया गया है, चाहे वो प्रदेश के अंदर जो तमाम बड़ी उपलब्धियां रही हैं प्रदेश सरकार की, जो तमाम परियोजनाएं रही हैं उसको लेकर के, चाहे वो खुद प्रदेश सरकार की हो या फिर केंद्र से जो मंजूर करवा करके केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के प्रदेश में किया है, वो तमाम मुद्दे रहेंगे। वो इंडस्ट्री को लेकर के भी रहेगा, वो खरखोदा में जो मारुति का नया प्लांट लगाया जा रहा है उसको लेकर रहेगा, जो प्रदेश जो गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बनाई जानी है उसको लेकर रहेगा, और इन 8 साल के साथ साथ अगले 2 साल की या फिर भविष्य की लेकर के क्या प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उपलब्धियां तो अब तक की गिनवाई जाएंगी लेकिन आगे क्या योजनाएं हैं, किन योजनाओं को लेकर के सरकार काम कर रही है, चाहे वो अगर हम बात करें किस तरीके से मोरनी में किस तरीके से एक टूरिस्ट पैलेस बनाया गया, तमाम एक्टिविटीज जो थी वो वहां पर रखी गई, इसी तरीके से सोहना के अंदर बात करें एक जंगल सफारी बनाने की योजना है, ग्लोबल सिटी बनाने की योजना है, हिसार के एयरपोर्ट में जो फ्लाइट शुरू की गई थी आगे उस एयरपोर्ट का कैसे विस्तार किया जाएगा, तमाम जो अगर बात करें मेडिकल कॉलेज की बात है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है जो 2:30 बजे का समय है, हालांकि 3 बजे इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और रखेंगे सरकार के 8 साल का लेखा जोखा और आगामी योजनाओं की रणनीति कि किस तरीके से सरकार प्रदेश के विकास कार्य को, और जब बात
मुख्यमंत्री जब प्रेस वार्ता करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं, राजनीतिक मुद्दों को लेकर के भी चर्चा होगी। चर्चा होगी आदमपुर के उपचुनाव को लेकर के, आदमपुर में जो संग्राम है, इस संग्राम में किस तरीके से जो है प्रदेश सरकार की भाजपा की क्या रणनीति है, क्योंकि आदमपुर चुनाव नजदीक है और यूं कहें कि आचार संहिता भी लग गई है, सौगाती भी झड़ी लग सकती थी, लेकिन यहाँ पर अब सौगात देने से पहले भी दो मरतबा शायद सोचा जाएगा, या यूं माने कि आज सौगात मिल भी पाएगी, क्या माने? देखिए योजनाएं जो प्लानिंग में है वो जरूर बताई जाएंगी, इसमें हाँ। कोई दो राय नहीं है, लेकिन आचार संहिता को देखते हुए कुछ ऐसे क्षेत्रों की नई योजनाओं का ऐलान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल तमाम योजना जो सरकार की है वो जरूर बताई जाएंगी कि भविष्य में क्या प्लानिंग है, क्या रोड मैप है प्रदेश की सरकार का, जो गठबंधन की सरकार है इसका क्या रोड मैप है प्रदेश को लेकर के, क्योंकि हम इसी हिसार की बात करें तो इसी हिसार को जहां आदमपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, यहां एयरपोर्ट आया, उस एयरपोर्ट का विस्तार किया गया, फ्लाइट शुरू की गई दिल्ली चंडीगढ़ की, वो तमाम एक बड़ी योजना है, वो आदमपुर के विकास को लेकर, वहां की इंडस्ट्री को लेकर के, वहां के रोड मैप को लेकर के, ये तमाम योजना इस तरह की प्लानिंग है, वो जरूर मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे। इसी तरीके की आगे जो प्लानिंग है, और पंचायत के भी चुनाव चल रहे हैं तो ग्रामीण विकास को लेकर के क्या कुछ किया गया, हाल ही में भी हमने देखा कि किस तरीके से एमएसपी के जो दाम है वो बढ़ाए गए हैं, और इसके अलावा आगे का जो रोड मैप है वो भी जनता के समक्ष रखेंगे। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।